नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में गांव की सरकार को लेकर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। तीन चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, साथ ही चौथे चरण का मतदान भी कल संपन्न हो गया। अब इसके साथ ही प्रत्याशी और उम्मीदवार पांचवें और छठे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार में अपना पूरा दमखम लगाने में लगे हुए हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत दाऊदनगर पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया संजय कुमार से मुलाकात की। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत दाऊदनगर प्रखंड वैशाली के मुखिया संजय कुमार से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में जी। संजय जी, कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ आपका इस क्षेत्र में? जी मैम, पहली बार मैं वार्ड सदस्य बना था, दूसरी दो बार मेरी पत्नी पंचायत सदस्य रही और उसके बाद मैं पुनः मुखिया बना और इस बार भी जनता का अपार समर्थन है, जनता इस बार भी हमको मुखिया बना रही है जी। तो इतने वर्षों से आप सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, कैसा रहा आपका कार्यकाल? बहुत अच्छा मैडम रहा। हम गरीब के साथ जुड़ाव, मेरा दिल से जुड़ाव है, गरीब बुढ़वा का काम हम ज़्यादा करते हैं, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, शौचालय का कार्य हो और गरीब के दुख सुख में हम शामिल रहते हैं। हम कंटिन्यू अपने पंचायत में घूमते रहते हैं, दुख सुख, शादी ब्याह, सब जगह जहां हमारी खोज होती है मैं वहां पहुंचता हूं। ऐसे भी हम पंचायत में लगातार सक्रिय रूप से काम करते रहते हैं जी। संजय जी, अपने कार्यकाल में किस किस योजना को धरातल पर उतारा है आपने? जी मैम, जिसे आज हम लोग इंदिरा आवास से योजना, जो प्रधानमंत्री आवास आया था प्रधानमंत्री आवास, उसी योजना को मैंने गरीब को दिया, उनसे घर बनवाए और वो लोग छत के मकान में रहना शुरू किए। दूसरा चीज़ कि हमने वृद्धावस्था पेंशन, जो विडो महिला थी जी उनका विडो, जिसे लक्ष्मी बाई वृद्धावस्था पेंशन, जो 18 से 39 वर्ष के महिला को होती है, जिनके अध अवस्था में उनकी पति का मृत्यु हो जाता है, तो हम उनका लक्ष्मी बाई वृद्धा पेंशन है, उसके बाद में विधवा पेंशन है, उसके बाद में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है। हम अपने पंचायत में 1850 वृद्धावस्था पेंशन कराए, इसमें 1550 वृद्धावस्था पेंशन हम खुद किए हुए हैं। हम पंचायत में संजय कुमार मुखिया के नाम से कम और संजय बउआ के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, चूँकि अपार महिला गरीब बुढ़वा का हमारे प्रति समर्थन है और हम उनसे एकदम दिली लगाव रखते हैं। उनके किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसमें हम जाकर के खड़ा उतरते हैं, हमसे जो भी हो पाता है भरपूर मदद करते हैं जी। जी संजय जी, 7 निश्चय योजना आपके क्षेत्र में कितनी सफल रही? जी 7 निश्चय योजना मेरे यहाँ सफल रही। इसका कारण है कि जिसे हमारे यहाँ 15 वार्ड है, पूरे पंचायत में 15 वार्ड है जी। आपके मतदाता वोटर हमारे यहाँ 8000 के करीब हैं, तो हमारे यहाँ PhD का काम जल नल योजना का ज़्यादा हुआ, जिसे 9 वार्ड में PhD काम की, चूँकि 7 निश्चय योजना जब आई थी उससे पहले PhD हमारे यहाँ काम शुरू कर दी थी। हमको 6 वार्ड में काम करने का मौका मिला तो 6 वार्ड में हमने जल नल का काम किया और जल नल मेरे यहाँ सुचारू रूप से एकदम कंटिन्यू चलता रहता है। सुबह शाम दोपहर हम अपने से विजिट भी करते रहते हैं, सब लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है और सब लोग काफ़ी खुश हैं जी। PCC योजना के अंतर्गत कितना कार्य हुआ? हमने PCC योजना के अंतर्गत पेपर ब्लॉक का कार्य किए हैं, PCC ढलाई का कार्य किए हैं, नाला का कार्य किए हैं और ये सब जो कार्य है हमें सब जगह घूम करके जहाँ जहाँ जो मूल समस्या थी, जहाँ जहाँ रोड की अति आवश्यकता थी, उसको हमने PCC कर करके, पेवर ब्लॉक करके, गली गली में हम बहुत ऐसा भी रोड था जिसका हमें जहाँ लोग चलने आने में बड़ी कठिनाई होती है, माँ बहने रोड पर उतरती थी, उनको पैदल जाना पड़ता था घर तक, वहाँ के रोड को हम बनवाए हैं और आज वहाँ 4-चक्का गाड़ी उनके घर तक चली जाती है। खासतौर पर अनुसूचित जाति टोला, महादलित टोला, ये सब टोलों में हम रोड बनवाए हैं और वहाँ अब रोड की समस्या खत्म हो गई है, पेयजल की समस्या खत्म हुई है, वहाँ गरीब बुढ़वा का वृद्धावस्था पेंशन का हम लोगों ने सबको घर घर जा करके, जिनकी उम्र 60 है उसको राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, जो विडो महीना है उसको विधवा पेंशन, सबका करा करके मिला जुला करके हमारे पंचायत में मैक्सिमम काम हम कर चुके हैं। जनता इसीलिए अपार समर्थन है जनता का। हम जब कल घूम रहे थे तो मेरे साथ सैकड़ों महिलाएँ घूम रही थी तादाद में और संजय बउआ आ गए थे, संजय बउआ दिनकर चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, इस तरह से खुद से प्रचार कर रही थी। ऐसा लगता है कि वैशाली प्रखंड में 16 पंचायत है, 16 पंचायत में सबसे बड़ी जीत मेरी होगी। इसके पहले भी हम 473 वोट से जीते थे, इस समय मेरा कैरम बोर्ड चुनाव चिन्ह था, आज उसी का दूसरा रूप 12 नंबर कैमरान पर पिछली बार भी थे और इस बार भी हैं और वही ब्लैक बोर्ड आ गया है 12 नंबर पर।
तो निश्चित रूप से जनता का कहना है कि आपका जनता से दिली लगाव है, आप चुनाव में विजय रहेंगे और अंतराल बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, विजय तो सुनिश्चित है। जी संजय जी, ऐसी कोई समस्या है आपके क्षेत्र में जिससे लगता है आपको कि आपके क्षेत्र का विकास थोड़ा कम हुआ या अवरुद्ध हो रहा है? ना, ऐसा नहीं है। ऐसा मेरे यहाँ चूंकि समस्याएं जो भी थी उसका हम निराकरण कर दिए हैं। अब हमारे यहाँ जो भी समस्या कुछ बची हुई है, हम समझते हैं कि मैक्सिमम हम काम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत काम है, जो दोबारा जब जीत के आते हैं तब फिर उस काम को विधिवत ढंग से फिर उसको हम काम को पूरा करेंगे। जी, तो संजय जी इस बार आप लोगों के बीच क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं? हम विकास का मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि मेरा कार्यकाल 5 साल का जो है उस कार्यकाल के आधार पर हमको चुनिए। और सब लोगों ने कहा है कि आज तक जितने भी मुखिया बने हमसे पहले उनसे मेरा बेहतर व्यवहार, कार्यकाल और काम, समय पर उपस्थिति, दुख सुख में शादी शामिल होना, इस सब में हम सबसे आगे चल रहे हैं। जी संजय जी, आपका क्षेत्र ODF मुक्त हुआ है या नहीं? हमारा क्षेत्र ODF जी ODF मुक्त है। मेरे यहाँ शौचालय में हमारा ODF पंचायत है ये, लेकिन संजय जी बोला जाए मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से हम सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए? नहीं, हम सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि मेरे पंचायत में जो कुछ जैसे हमारे यहाँ बिहार सरकार भवन नहीं बना हुआ है, पंचायत भवन, तो पंचायत भवन की हम मांग किए हैं, उसके लिए प्रोसेस भी किए हैं, वो हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बन जाए। दूसरा चीज़ कि मेरे यहाँ एक केदली वन है जो पूरे बिहार, पूरे देश भर में दो ही जगह, एक दिल्ली में है, एक दाऊदनगर पंचायत में है, जहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम बना था, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू रहे तो भी आए थे हमारे यहाँ। तो हम चाहेंगे कि मेरे केदली वन का विकास हो जाए और ये हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बन जाए, ताकि पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड है, पंच हैं, जिला परिषद हैं, समिति हैं, मुखिया जी हैं, सब लोग का एक जगह बैठक रहेंगे, सब लोग कर्मचारी लोग एक जगह रहेंगे, तो जनता को सुविधा होगा कि सरपंच से मिलना है तो बगल में जाके मिलेंगे, मुखिया जी से मिलना है तो बगल में जाके मिलेंगे, उनको कठिनाई कम होगी, ये मेरा प्रयास रहेगा। जी संजय जी एक आखिरी सवाल, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई कार्य जो लगता है कि इस कार्यकाल में आप पूरा नहीं कर पाए हैं और अगले कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे? जैसे हमारा जो कुछ जैसे रोड उड की समस्या है जो रह गई है उसको हम अगले बार पूरा करेंगे, लेकिन मैक्सिमम में माने जितना हो सकता है, जैसे जो छोटा छोटा काम है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, इंदिरा आवास है, शौचालय का कार्य है, पशु सेट का काम है, ये सबको हम मैक्सिमम पूरा कर दिए हैं। एक बार में तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन दोबारे में हम समझते हैं कि संपूर्ण कार्य हो जाएगा मेरे पंचायत का। जी संजय जी, बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज के माध्यम से हम चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में क्षेत्र की जनता विकास को ध्यान में रखते हुए सही उम्मीदवार का चयन करें। ठीक, तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत दाऊदनगर प्रखंड वैशाली से मुखिया संजय कुमार जी। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र का पूरा विकास किया है, हर योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो थोड़ी बहुत योजनाएं और कार्य बाकी रह गई, अगर क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो उन्हें वो पूरा करेंगे। साथ ही सरकार से उन्होंने अपने क्षेत्र में पंचायत भवन बनाने की भी मांग की है। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।